कारागार में घुसे सभी जीवन पंच को अभी क्या हो गया सारा गिरी का ये क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है जल्दी जल्दी कर बन गया सारे अधिवंशियों को बंदी बनाकर कारागार जेल में डलवा दे कारागार में जेल में डलवा दे इसलिए निमंत्रण किया जाता है घाटा सब्जी भंडारा हो तुझे मंत्री नहीं पता है लिखो धनुष व मनुष्य मनुष्य का मेला लगवाया जा रहा है मनुष्य का मेला लगवाया जाएगा अरे धनुष का धनुष की मनुष्य सुखा मनुष्य का धनुष धनुष ना धनुष यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है धनुष यज्ञ का आयोजन करवाया धनुष यज्ञ का भंडारा करवाया जब भी उसने लिख दिया मैंने और बोलो और मंत्री लगा दीजिए मोहर मोहर अक्रोध को बुलाकर महाराज पत्र भिजवा दीजिए महाराज से आई हुआ मार वो जो लगाओ जब थप्पा जाओगे मोहम्मद तुम्हारे से आई काम है और तलवार ले जाकर हाँ तो कान लाओ तुम्हारी तो मोहन लागी हाँ और तलवार तो लेके लगाइए मोहर लग गई हाँ लग गई महाराज की मोहर ला दी दिखाइए मुझे कैसे मोहर लगाए आप तो आएंगे नंद के छोड़ो वाह वाह माता को तुम हा हा का तुम बहुत होशियार हो महाराज देख लिया जाएगा वो आहिर के छोकरे को देख लिया जाएगा वो माखन चुराने वाला वो गलियन में घूमने वाला वो नंदगा छोरा उसे देख लिया जाएगा ये दया चुराने का काम नहीं है ये लड़ने का काम है करवाल के मंत्री जी महाराज लाजे मदरा पाठ किया जाए जी महाराज और वो तो पत्रा पहुंच चुका होगा पत्रा पहुंच जाएगा
टेंशन मतलब टेंशन बनवा दूंगा तुम्हारी। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जिस समय अक्रूर जी को बुला करके भोज राजवंश ने मंत्री से पत्र लिखवा करके दिया, सो जिस समय हाथ में पत्र लिया तो अक्रूर जी पत्र को देखते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि आज मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला है, आज न जाने कितने दिन से मेरी आंखें तरस रही हैं श्याम सुंदर कन्हैया के दर्शन करने के लिए, आज वास्तव में होना हो प्रभु ने ही हमको याद किया है, जिस समय मैं वहाँ पहुँचूंगा और मैं श्याम सुंदर कन्हैया का दर्शन करूँगा और वो मुझे चाचा कहकर के बुलाएंगे तो मेरे समान कोई धन्य नहीं होगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। नाना प्रकार के विचार उठ रहे हैं अक्रूर जी के मन में, अक्रूर जी सोच रहे हैं कि क्या बताऊं, बहुत दिन हो गए इस भोजराज कंस ने तो जीना आराम कर दिया है, लेकिन अब वो समय आ रहा है, सोई जा करके पत्र नंद बाबा को दिया है, शाम को स्वागत सत्कार करने के बाद अक्रूर जी ने बताया है कि वास्तव में भोजराज कंस ने एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ किया है और आपको पूरे परिवार सहित नहीं पूरे वृंदावन सहित आमंत्रित किया है, सो ही उसी समय भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, चाचा क्या बताऊं, मेरे माता पिता बहुत दुख पा रहे हैं, वास्तव में कहा गया है कि जिन पुत्रों के माता पिता दुख पाते हैं, महाराज कहते हैं उनका जीवन कभी कल्याण नहीं होता है, उनको 21 नरकों में जाना पड़ता है, याद रखना भैया लोग, कभी अपने माँ बाप को दुख नहीं देना, क्योंकि आप कभी अपने माँ के दूध से रेडी नहीं हो सकते हैं, आपको जन्म दिया है। आज भगवान ये बात कह रहे हैं अक्रूर जी से कि चाचा मेरे माता पिता बहुत दुख झेले हैं, वास्तव में मैंने बहुत देर कर दी है, लेकिन अब भोजराज कंस ने पत्र भेजकर अपनी मौत का निमंत्रण दिया है, अब तो मैं पक्का चलूंगा। इधर महाराज कहते हैं जिस समय यशोदा मैया ने देखा है कि अरे ये अक्रूर जी तो लिवाने आए हैं हमारे श्याम और बलराम को, सोई उसी समय कहते हैं यशोदा मैया तो मूर्छित होकर के धरती में गिर पड़ी।